बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अब तक अपने कुल 25 उम्मीदवारों की दो सूचियां जारी की हैं। पहली सूची में 16 उम्मीदवारों में से लगभग आधे यानी 7 मुस्लिम हैं। बसपा का यह कदम राज्य में कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने और भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलने की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। मुस्लिम उम्मीदवारों के अलावा मायावती ने अपनी पहली सूची में आरक्षित सीटों से उच्च जाति के 4, ओबीसी समुदाय के 2 और एससी के 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बसपा के 7 मुस्लिम उम्मीदवारों में सहारनपुर से माजिद अली, रामपुर से जीशान खान, संभल से शौकत अली, मुरादाबाद से इरफान सैफी, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, आंवला से आबिद अली और पीलीभीत से अनीस अहमद खान शामिल हैं। इन सीटों में से सपा कांग्रेस गठबंधन ने 4, सहारनपुर, संभल, मुरादाबाद और अमरोहा पर मुस्लिम उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसके 2 ओबीसी चेहरों में मुजफ्फरनगर सीट से दारा सिंह प्रजापति और बिजनौर से जाट उम्मीदवार विजेंद्र सिंह शामिल हैं। पार्टी ने कैराना, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और मेरठ से 4 उच्च जाति के उम्मीदवारों श्रीपाल सिंह, राजेंद्र सोलंकी, प्रवीण बंसल और देवव्रत त्यागी को भी मैदान में उतारा। नगीना शाहजहांपुर और बुलंदशहर की सुरक्षित सीटों से उसने सुरेंद्र पाल, दोदराम वर्मा और गिरीश जाटो को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने सहारनपुर, नगीना और बिजनौर में अपने मौजूदा सांसदों को बदल दिया है, जबकि उसके अमरोहा के सांसद पहले ही कांग्रेस में जा चुके हैं। बसपा द्वारा रविवार को घोषित 16 उम्मीदवारों में से सपा कांग्रेस गठबंधन ने पहले ही अमरोहा, सहारनपुर, संभल, मुरादाबाद, नगीना, पीलीभीत, आंवला, शाहजहांपुर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और कैराना के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों का खुलासा कर दिया है। हालांकि गठबंधन ने अभी तक रामपुर और बुलंदशहर निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप नहीं दिया है। बसपा द्वारा अब तक घोषित 7 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 4 अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और सहारनपुर की सीटों पर एक ही समुदाय के सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार से लड़ेंगे। अमरोहा में कांग्रेस के दानिश अली का मुकाबला बसपा के मुजाहिद हुसैन से होगा, जबकि मुरादाबाद में बसपा के इरफान सैफी का मुकाबला सपा के मौजूदा सांसद एचटी हसन से होगा, जबकि सहारनपुर में मुकाबला कांग्रेस के इमरान मसूद और बसपा के माजिद अली के बीच होगा। संभल में बसपा के शौकत अली का मुकाबला सपा के ज़ियाउर्रहमान बर्क से होगा। 2019 के आम चुनाव में जब दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया था तो ये चारों सीटें एसपी बीएसपी गठबंधन के खाते में चली गई थीं। सियासी जानकारों के मुताबिक अच्छे उम्मीदवारों की कमी के कारण बसपा ने कई नए चेहरों पर दांव लगाया है। इसके अलावा मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार कर उनकी कोशिश मुस्लिम बाहुल सीटों पर समुदाय को अपने पक्ष में करने की होगी, जो सपा कांग्रेस गठबंधन को नुकसान पहुँचा सकता है। बसपा द्वारा श्रीपाल सिंह, राजेंद्र सोलंकी, प्रवीण बंसल, आबिद अली, शौकत अली, देवव्रत त्यागी जैसे कम चर्चित चेहरों को मैदान में उतारने से यह भी पता चलता है कि उसे उम्मीदवारों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई लोग अब पार्टी के लिए लड़ने को तैयार नहीं हैं। मोंटू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।